हालो सांगमाने, समांतर क्षेत्र एवं त्रिभुजर क्षेत्रफल अर्थात एरियाज अफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स रो एही वीडियो को आपण मानको स्वागत। आज आम गोटे बा समान आधार एवं एक समांतर रेखा मध्य अवस्थित त्रिभुज गुड़िक अर्थात ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स विषय आलोचना करिबा। तेबे चालंतु आमे आरंभ करिबा। सांगमाने ए पर्यंत आमे गोटे बा समान आधार एवं एक समांतर रेखा मध्य अवस्थित त्रिभुज एवं समांतर क्षेत्रर क्षेत्रफल विषय आलोचना करि सारिचे। आगक जीवा जदि आमको एक एपरी आकृति दि जाएगी जो थे दुईट त्रिभुज गोटे आधार उपरे एवं एक समांतर रेखा मध्य अवस्थित तेबे सेगुड़िकर क्षेत्रफल विषय आम कौन कहीपर वीडियो को पॉज करी एहा उपरे चिंता करिपारिबे। आमे जानिचे जे जदि एक त्रिभुज एवं समांतर क्षेत्र गोटे आधार उपरे एवं गोटे समांतर रेखा मध्य रही थांती तेबे त्रिभुजर क्षेत्रफल समांतर क्षेत्रर क्षेत्रफल एक विभक्त दुई गुण हेब। समांतर क्षेत्रर क्षेत्रफल सूत्र हेउची आधार गुणन उच्चता एवं त्रिभुजर क्षेत्रफल ताहार आधार गुणन उच्चतार गुणफल अधा सहित समान हेब। सांगमाने पूर्व श्रेणी रे त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करिबा पई आमे एही सूत्र को व्यवहार करिथिले। आउ जदि आमे एही आकृति को देखि कण आमे कहि पारिबा कि त्रिभुज ए आर एस र क्षेत्रफल समान एक विभक्त दुई चतुर्भुजर पी क्यू आर एस र क्षेत्रफल सहित। आज्ञा हाँ, चलो यहाँ समीकरण एक भाव धरीनेबा। जदि आम एटी आउ एक त्रिभुज अंकन करवा त्रिभुज बी आर एस तेब कण आम कहीपर जे कि त्रिभुज बी आर एस र क्षेत्रफल सामान एक विभक्त दुई गुणन चतुर्भुज पी क्यू आर एस र क्षेत्रफल। आज्ञा हाँ, कारण त्रिभुज बी आर एस एवं समांतर क्षेत्र पी क्यू आर एस गोटे आधार उपरे एवं गोटे समांतर रेखा मध्य अवस्थित। आमे एहाकु समीकरण दुई भावरे धरि नबा। जदि आमे एही दुई परिस्थिति को देखिबा तेबे आमे कहि पारिबा जे एही दुई त्रिभुजर क्षेत्रफल समान अर्थात त्रिभुज ए आर एस एवं त्रिभुज बी आर एस समान आधार आर एस उपरे आधारित एवं एक समांतर रेखा ए बी ओ आर एस मध्यरे अवस्थित तेणु एगुड़िकर क्षेत्रफल समान अटे। तुम्हें एठारे मध्य गोटे बा समान आधार एवं एक समांतर रेखा मध्य अवस्थित अन्य त्रिभुज गुड़ी को नेई जांच करी देखि पारिब जे सेगुड़िकर क्षेत्रफल मध्य समान हेब। एहाकु आधार करी आमे एक प्रमेय निर्णय करि पारिबा जे जहां आमको कही थाए गोटे बा समान आधार एवं एक समांतर रेखा मध्य अवस्थित त्रिभुजर क्षेत्रफल समान होई थाए। एही प्रमेयर विपरीत मध्य कौन सत्य हेब धरी निया जाउ आमको एही आकृति दि जाएगी। एठारे आमको दि जाएगी जे त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एस क्यू आर र क्षेत्रफल समान रही। एही आकृति को देखी तुम्हें त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एस क्यू आर विषय आउ कौन कहीपर एठारे दुई त्रिभुजर आधार क्यू आर मध्य समान अच्छी दिया जाइथिबा। एही तथ्य आधार रे आमे कही पारिबा कि गोटे बा समान आधार उपरे अवस्थित एवं समान क्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज एक समांतर रेखा मध्य अवस्थित होइथाय। आस ए विषय आलोचना करिबा। त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एस क्यू आर र क्षेत्रफल समान एहाकु मध्य आमे एही परि लेखि पारिबा। एबे आमे त्रिभुजर क्षेत्रफलर सूत्र व्यवहार कले तेबे आमको मिलिब एक विभक्त दुई गुणन जोठी त्रिभुज पी क्यू आर आधार हेउची क्यू आर तेबे आमे एठारे लेखि पारिबा एक विभक्त दुई गुणन क्यू आर गुणन उच्चता। आमको एठारे उच्चता विषय कौनसी तथ्य दिया जाए नाही। तेबे चालंतु एहाकु धरिनबा एच वन
ଏହିପରି ଭାବରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସ୍କ୍ୟୁଆର୍ରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଏହା ମିଳିବ ଯେଉଁଠାରେ ଏଚ୍ ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସ୍କ୍ୟୁଆର୍ର ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଏବଂ ଆଧାର ସମାନ ରହିଛି। ଆଗକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ କେବଳ ଉଚ୍ଚତା ବାକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଚ୍ ୱାନ୍ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ଏଚ୍ ଟୁ, କାରଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ପି ଏବଂ ଏସ୍ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ପି ଏବଂ ଏସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପି ଏସ୍ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଆର୍ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସ୍ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଦୁଇ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରମେୟର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ବା ସମାନ ଆଧାର ଏବଂ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବା ସମାନ ଆଧାର ଏବଂ ଏକ ସମାନ୍ତର ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ ପୁଣିଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।